मंगलवार को जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में पैरलेगंज रोड स्थित वरिष्ठ उपाध्यक्ष मार्कंडेय सिंह के आवास पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 48वां जन्मदिवस केक काटकर और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी ने कहा कि राहुल गांधी एक संघर्षशील जुझारू व्यक्ति हैं। राहुल गांधी के जन्मदिन पर समस्त कांग्रेस जन उनके दीर्घायु की कामना करते हुए मंगल कामना की। इस अवसर पर मार्कंडेय सिंह, दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, मदन त्रिपाठी, प्रोफेसर SP त्रिपाठी, प्रमुख वक्ता दिलीप कुमार निषाद, स्नेहलता, अरुण सोनकर सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, भविष्य के आशा, ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि राहुल जी दीर्घायु हो और इसी तरह का नेतृत्व भविष्य में करते रहें, जिससे कांग्रेस पार्टी और भी मजबूत हो। तमाम पिछड़े हुए लोगों, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, काम करें। इस अवसर पे आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, देश की आशा, आदरणीय राहुल जी के 48वें जन्मदिवस के अवसर पे जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में यहां पर उपस्थित समस्त कांग्रेसजन अपने प्रिय नेता का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाकर ईश्वर से यही कामना कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं कि राहुल जी दीर्घायु हों और भविष्य में कांग्रेस पार्टी का, इस देश का उसी तरह से जिस तरह से वो नेतृत्व कर रहे हैं, वो एक बिना स्वार्थ का, बिना किसी लालच का, ना किसी पद की लालच है, ना किसी और चीज़ का लालच है, वो कर रहे हैं। भविष्य में वो अपने नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हुए देश को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने का काम करें।